2023 में अव्यवस्थाओं से शहर को मिल सकती है मुक्ति। कलेक्टर एसपी ने शहर में अव्यवस्थाओं का किया अवलोकन, देखी व्यवस्थाएं। श्योपुर शहर में मुद्दतों से बिगड़ी यातायात व्यवस्था पर नवागत एसडीओपी राजू रजक के आगमन के बाद जहां यातायात अव्यवस्थाओं पर कुछ अंकुश लगाने के प्रयास किए गए, वहीं शहर में अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के उद्देश्य से श्योपुर कलेक्टर एवं शिवम वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार सिंह ने राजस्व और नगर पालिका अमले के साथ पुराने बस स्टैंड से सलापुरा नहर तक भ्रमण कर अव्यवस्थाओं का अवलोकन किया, जहां पुराने बस स्टैंड पर चौपाटी निर्माण को लेकर एसडीएम और सीएमओ को दिशा निर्देश भी दिए। वहीं फल एवं सब्जी मंडी को व्यवस्थित संचालित करने को लेकर सफाई और लाइट व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश नगरपालिका सीएमओ को दिए गए। साथ ही पाली रोड ब्लॉक के पास दुर्घटनाओं का परिचालक बन चुके डिवाइडर को दुरुस्त करने के साथ ही डिवाइडर पर रेडियम स्टिकर लगाने के निर्देश दिए कलेक्टर ने दिए। साथ ही सलापुर नहर के पास लगे हाथ ठेलों को हॉकर्स जोन में शिफ्ट करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही सलापुरा से पुराने बस स्टैंड तक सड़क के दोनों ओर व्हाइट लाइनिंग कर लाइनिंग के अंदर वाहन खड़े करवाने के लिए यातायात पुलिस को निर्देशित किया गया, जहां 10 दिवस में इस व्यवस्थाओं का क्रियान्वय कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश कलेक्टर शिवम वर्मा को नगर पालिका की ओर से राजस्व को दिए गए। कलेक्टर शिवम वर्मा ने नगर पालिका और राजस्व को दिए, जहां संभवतः नववर्ष 2023 में अव्यवस्थाओं से शिवपुर शहर को निजात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। शिवपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। लगातार जगह जगह देख रहे हैं, स्थिति देख रहे हैं, क्या नजर आ रहा है और क्या प्लानिंग चल रही है आगे? देखिए, जिला प्रशासन हम लोग मिलकर हमारे ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने का जो एम रखा है उसको देखने के लिए कर रहे हैं। अभी हमने कुछ चेंजेस भी किए थे ट्रैफिक में, कुछ वनवे भी किए हैं, कुछ जगहों पर रोड को रोका भी है, बैरिकेड लगाए हैं, तो उससे कुछ सुधार हुआ है। आने वाले समय में कैसे हम लोग और बेहतर कर सकें उसके लिए प्लान किया गया है। अभी हम लोगों ने बस स्टैंड के पास कुछ फूड मंडी देखी, कुछ हॉकर जोन भी देखे हैं और ये सलापुरा का जो पॉइंट जो ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट रहता है इसको उन्होंने देखा है। आने वाले 10 दिन में हमने जो व्यवस्था की है कि जो सड़क पर जो ठेले या कोई दुकानें लगी उनको हम लोग अंदर हॉकर जोन या चौपाटियाँ भेजेंगे, इससे वो मुक्त होगा। और कुछ कुछ छोटी मोटी बुनियादी व्यवस्था जैसे डिवाइडर प्रॉपर करना, कहीं पर रोड डाइवर्जन करना, वो करना, तो उसको हम लोगों ने आज प्लान किया है। अगले 10 दिन में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर हम लोग शहर का कोई और रोड लेंगे जिसको और हम लोग ठीक करेंगे। इस प्रकार से एम करके चल रहे हैं ताकि नए साल में हमारे जिले की जो ट्रैफिक व्यवस्था शहर की और बेहतर कर सकें। सर, सौंदर्यीकरण के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे जिला प्रशासन द्वारा? देखिए, सौंदर्यीकरण के लिए भी नगर पालिका अपने काम कर रही है। जब यहाँ पे जब ये चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी तो यहाँ लाइटिंग वगैरह बेटर हो, कुछ हम लोग ग्रीन 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 प्रोजेक्ट्स वगैरह की कुछ पौधे लगाना डिवाइडर पे, ये सारी चीज़ें भी कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइडर पे अभी इतनी जगह नहीं है कि यहाँ पे ग्रीनिंग कर पाए, लेकिन हम लोग सौंदर्यीकरण के लिए भी प्लान कर रहे हैं और लाइटिंग सौंदर्यीकरण साथ में कुछ जो सैलानियों के लिए या जो नागरिकों के लिए कुछ ऐसे पार्क और ऐसी जगह भी वो भी हम लोग डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं।